हाय दोस्तों, आज का मैच हम खेलने वाले हैं थ्री लेजेंड के बीच में, जिसमें कि अंडरटेकर, गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस मैच को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मैच का विनर कौन निकलता है। लो भैया, रेसलमेनिया का मेन इवेंट और मैच स्टार्ट हो चुका है और आते ही ब्रॉक लेसनर ने फिनिशर लगा दिया गोल्डबर्ग को। क्या गए गोल्डबर्ग, चल रेफरी, 1-2 और ये किक आउट नहीं हार मानी। और इधर अंडरटेकर ने अपना फिनिशर लगा दिया ब्रॉक लेसनर पर। क्या गए ब्रॉक लेसनर, चल रेफरी, 1-2 और ये भी किक आउट। इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाले। तो दोस्तों, मैच का मजा पूरा आ रहा है, मैच पूरा देखना क्योंकि बहुत ही खतरनाक वीडियो बनने वाली है। ब्रॉक लेसनर ने तो गोल्डबर्ग पर बुरी तरह से अटैक कर दिया है। खैर, गोल्डबर्ग के पास फिनिशर तो है, अब देखते हैं कब लगाएंगे। ब्रॉक लेसनर ने अपना फिनिशर लगा दिया, गोल्डबर्ग ने लगा दिया है, नहीं सॉरी दोस्तों, अंडरटेकर लगा दिया, लेकिन गोल्डबर्ग ने अभी तक कोई फिनिशर नहीं लगाया। और ये देखो, अच्छी पावर दिखा रहे अंडरटेकर। और एलिमिनेशन है तो देखना होगा सबसे पहले कौन जाता है और कौन आखिर तक टिकता है, ये देखना होगा इस मैच में, क्योंकि टॉप के थ्री खिलाड़ी खड़े हैं सुपरस्टार। अंडरटेकर अटैक तो बुरी तरह से कर रहे हैं, ब्रॉक लेसनर पर भी और गोल्डबर्ग पर भी। ओह नो, अच्छी पावर दिखा रहे। और ये फिनिशर की तैयारी, आखिरकार गोल्डबर्ग ने भी अपना फिनिशर इस्तेमाल कर ही लिया। क्या गए अंडरटेकर, चल रेफरी, 1-2 और ये किक आउट। ना ब्रॉक लेसनर हार मान रहे हैं, ना गोल्डबर्ग मान रहे हैं, ना ही अंडरटेकर। तीनों ने अपने अपने फिनिशर लगा दिए, लेकिन हार कोई नहीं मान रहा। बहुत एक्सट्रीम जा रहा है ये मैच, और इस मैच में एक्सट्रीम रूल भी है मेरे ख्याल से, तो एक्सट्रीम तो जाना ही होगा ना इस मैच को। और ये शानदार सुप्लेक्स, अटैक तो बुरी तरह से कर रहे हैं। और ये लो भैया, अंडरटेकर के पास सिग्नेचर तो आ चुका है मेरे ख्याल, तीनों के पास सिग्नेचर लगभग आ चुका है। ओ, अच्छा टेक डाउन किया ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को। गोल्डबर्ग की बॉडी येलो हो गई है, कारण क्या भैया, क्या गोल्डबर्ग ने ज्यादा मार खाई है? और गोल्डबर्ग गुस्से में कुछ लेके आ रहे, कह रहे मेरी बॉडी तो येलो हो गई, अब तुम्हारी करूंगा। मार गोल्डबर्ग, किसे मारना चाहता है? और ये सुप्लेक्स, लो भाई अपना सिग्नेचर लगा दिया है ब्रॉक लेसनर ने। चल भाई, अंडरटेकर का कर दिया। और ये दे मारी कैंडल स्टिक और कर दी मेरे ख्याल से। गोल्डबर्ग पर भारी तो पड़ रहे हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर भारी नहीं पड़ने दे रहे। और ब्रॉक लेसनर के पास फिनिशर है, इस बात से बचना होगा। अगर आप फिनिशर लगा दो, किसी की भी छुट्टी कर सकता है ब्रॉक लेसनर। और ये शानदार पावर बम, अरे ये क्या कर रहा है, वाह अच्छी पावर दिखा रहा है गोल्डबर्ग। ये ले, चल रेफरी, 1-2 किक आउट। ब्रॉक लेसनर किसी की भी छुट्टी कर सकता है भैया, अगर फिनिशर लगाया तो। और ब्रॉक लेसनर भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं, अब देखते हैं फिनिशर किस पर लगाता है। खैर, गोल्डबर्ग के पास भी फिनिशर आ चुका है। रिंग के अंदर ले गया ब्रॉक लेसनर, अगर मैच जीतना है तो। आ गया ध्यान से, ओ नो, कैंडलस्टिक तक तोड़ दिए अंडरटेकर पर। अब क्या करने वाले हैं भैया? और ये फिनिशर, क्या गए अंडरटेकर, मेरे ख्याल से अंडरटेकर की छुट्टी हो गई भैया। चल रेफरी, 1-2
और ये किक आउट, ओ नो, अंडरटेकर ने हार नहीं मानी अभी तक, और एक और फिनिशर की तैयारी थी पर रिवर्स कर दिया, और ये चेयर लेके आया गोल्डबर्ग, किस पर मारेंगे ये नहीं, और अंडरटेकर ने अपना दूसरा फिनिशर लगा दिया ब्रॉक लेसनर पर। चल रेफरी क्या गए ब्रॉक लेसनर, 1-2 और ये भी किक आउट, ओ नो, चेयर शॉट बहुत ही खतरनाक तरीके से लगाया अंडरटेकर पर। फिनिशर तो है गोल्डबर्ग के पास भी और अंडरटेकर के पास सिग्नेचर है, ओ नो, जो चेयर लगाई थी भैया उसी पे खुद ही गोल्डबर्ग फंस गए, लेकिन अभी भी सिग्नेचर है ब्रॉक लेसनर के पास और ये सिग्नेचर ही लगाने जा रहे। चलो भैया सुप्लेक्स सिटी, ये लो अंडरटेकर के पास कैंडल स्टिक है। चल रेफरी 1-2 ओ नो, ये भी किक आउट, कोई हार ही नहीं मान रहा पता नहीं क्यों, और ये बुरी तरह से कैंडल स्टिक से टेक कर दिया है। और अपना एक और फिनिशर, आप तो गए मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर। चल रेफरी तीसरा फिनिशर बॉबी टॉम्बस्टोन, 1-2-3 अब गोल्डबर्ग और अंडरटेकर बचे हैं। दोस्तों तुम बताओ कमेंट में बताओ कौन जीतेगा, वीडियो स्किप मत करना, वैसे बताओ आपके ख्याल से कौन जीतेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गोल्डबर्ग जीत सकते हैं, क्योंकि गोल्डबर्ग के पास फिनिशर है यार, अगर टाइम पे लगा दिया तो जीत सकते हैं। स्पीयर की तैयारी कर गोल्डबर्ग, तेरी स्पीयर देखना चाहता हूं मैं, लेकिन फिनिशर मेरे ख्याल से छुट्टी हो सकती है, लेकिन रिवर्स कर दिया अंडरटेकर ने, और ये शानदार अंडरटेकर भी बुरी तरह से टेक कर रहे हैं। चल रहे फिर ऐसे तो नहीं जाने वाला मेरे ख्याल, 1-2 ओके काट, मुझे पता था बिना फिनिशर तो गोल्डबर्ग नहीं जाएगा, खैर अंडरटेकर के पास अब फिनिशर है और ये फिनिशर लगाने जा रहे, ये लगा तो गए गोल्डबर्ग। चलो भैया रेस्ट इन पीस। चल रेफरी 1-2 और ये भी किक आउट, मुझे नियर एंड गोल्डबर्ग ने किक आउट कर दिया दोस्तों, तीसरा फिनिशर किक आउट किया है यार इस बंदे ने। अब भैया कब स्पीयर लगा दे या फिर छुट्टी कर दे, और ये फिनिशर की तैयारी, इस बार तो जा सकते हैं अंडरटेकर। चल रेफरी तैयार हो जा तू भी, और ये शानदार और जानदार फिनिशर, 1-2-3 तो दोस्तों इस मैच को जीत लिया गोल्डबर्ग ने। बहुत ही शानदार और जानदार मैच था दोस्तों, और आखिरकार जीते गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर थे इस मैच में, अंडरटेकर थे लेकिन गोल्डबर्ग ने बाजी मारी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके गुड बाय एंड टेक केयर।